हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है 3/4 kg। मैंने इसको वॉश करके, इसका पानी ड्रेन करके यहाँ पे रखा है। और हमें नेक्स्ट चाहिए 3 tablespoon टोमेटो केचप, 2 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon चिली गार्लिक सॉस, 1 tablespoon रेड चिली सॉस, ये हॉट रेड चिली सॉस है, 6 to 7 गार्लिक पॉड्स जिसको मैंने इस तरह से कट करके रखा है, और 2 green chilies बारीक चॉप करके रखा है, 1 medium size onion थिनली चॉप इस तरह से मैंने इसको कट किया है, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से ग्रीन बेल पेपर। मैंने यहाँ पे ग्रीन बेल पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आप रेड, ऑरेंज, येलो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। और हमें नेक्स्ट चाहिए 1 tablespoon बेसन यानी स्प्लिट ग्राम फ्लोर चने का आटा, 3 tablespoon कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, 1/4 teaspoon अजीनोमोटो, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 teaspoon व्हाइट पेपर पाउडर, 2 tablespoon व्हाइट डिस्टिल्ड वेनेगर और 1 अंडा। तो अभी हम देखते हैं इसको बनाना कैसे है। यहाँ पे हम फर्स्ट अपनी चिकन मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी वॉश किया है। जैसे मैंने कहा, इसमें फर्स्ट जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसी में जाएंगे हमारे तमाम स्पाइसेस, नमक, कॉर्न स्टार्च, व्हाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, बेसन, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड्स। इसको अच्छे से चिकन में मिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे अबाउट 1 tablespoon व्हाइट डिस्टिल्ड वेनेगर। हमें इस रेसिपी में टोटल 2 tablespoon व्हाइट डिस्टिल्ड वेनेगर का इस्तेमाल करना है। 1 teaspoon हम सॉस बनाते समय डालेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 tablespoon डाला है और 1 tablespoon हम सॉस बनाते समय ऐड करेंगे। अभी इसी में जाएगा अंडा यानी एग। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को तमाम स्पाइसेस में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको मैरिनेट करके मैंने रखा है। अभी हम इसे रखेंगे फॉर अबाउट 45 minutes रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने रखा था चिकन को फॉर अबाउट 45 minutes, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए रेफ्रिजरेटर में। अभी 45 minutes हो गए हैं, ये मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा वोक। आप चाहें तो आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, पैन भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वोक लिया है जिसमें अभी मैं चिकन फ्राई करूंगी। एक एक पीस करके डालें। तो मैंने इसमें खुला तेल लिया था जो अभी गर्म हो चुका है। मैं अभी इसमें चिकन डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हमें यहाँ पर चिकन को ओवरफिल नहीं करना है। बैचेस में तलें, फ्राई करें इसको थोड़ा थोड़ा कर। ये बोनलेस चिकन है, इसके पीसेस भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। इसकी एक साइड लाइट ब्राउन हो रही है, इसीलिए मैं इसको पलट रही हूँ। इसकी साइड चेंज करके इसको अच्छे से फ्राई कर लें। हमें यहाँ पर इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते हुए अच्छे से चिकन कम्प्लीटली कुक होने तक फ्राई कर लेना है। तमाम चिकन को इसी तरह फ्राई कर लें, फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को फ्राई करके इसको अलग से निकाल लिया है तेल में से। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे जो
बचा हुआ ऑयल था उसको अलग से निकाल दिया था और 2 to 3 tablespoons ऑयल इसी में छोड़ दिया है। मैं इसी में अपना सॉस तैयार करूंगी। तो अभी इसमें फर्स्ट जाएगा गार्लिक और हरी मिर्च, इसको अच्छे से तेल में सॉट कर लें। हमें यहाँ पर गार्लिक को लाइट ब्राउन होने तक तेल में सॉट कर लेना है। फ्लेम हाई पे रखें, मीडियम टू हाई पे। तो यहाँ पे गार्लिक हो चुका है लाइट ब्राउन। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं ऑनियन, क्योंकि ये चाइनीज डिश है। हमें यहाँ पे हर चीज़ों को हाई में रख के सिर्फ सॉट करना है, पकाना नहीं है। इसी में जाएगा बेल पेपर और इसमें नेक्स्ट जाएंगे हमारे तमाम सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने केचप को ऐड कर दिया, इसी में जाएगा रेड हॉट चिली सॉस। सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से सॉट कर लेते हैं ऑयल में। और इसमें ऊपर से जाएगा अबाउट 1 tablespoon वाइट डिस्टिल्ड विनेगर। मैंने 1 tablespoon पहले से ही चिकन में ऐड किया था, अभी 1 और tablespoon मैंने सॉस में ऐड किया है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे सॉट कर लिया है। अभी इसमें हम नेक्स्ट डालते हैं हमारा तमाम चिकन जो हमने फ्राई किया था। तो यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को ऐड कर दिया है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें ऊपर से डालते हैं स्प्रिंग ऑनियंस। और हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, इट्स रेडी टू सर्व। तो यहाँ पर हमारा चिकन मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत आसान है बनाने में भी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो या डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।